की बातें तो कभी कभार कर लेते हैं हां जी मौत तो बरहक है लेकिन अमल से ऐसा लगता है ये मरने के लिए तैयार बोलो नहीं बिल्कुल भी नहीं है तैयार ना मर्द मरने के लिए तैयार है और ना खीन दूसरा कुछ हकीकतें ऐसी हैं जिनसे हम ऐसी नजरें चुरा के बैठे हुए हैं जैसे सामने गड़ा हो खडा हो और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं चलता रहूंगा कोई गड़ा नहीं है सामने गटर का ढक्कन खुला हुआ है आप उसी स्पीड से उसी तरफ जा रहे हो अगला कह रहा है भाई ये गटर है खुला हुआ है आपको नजर आ रहा है लेकिन फिर भी आपकी स्पीड कम होने का नाम नहीं ले रही इस ऐसे ही लोगों को कुरान कहते हैं सुमुम बुकमुन ओमयुन अंधे हैं बहरे हैं गूंगे हैं कुरान जिनको अंधे बहरे और गूंगे कह रहे हैं वो सच्ची मुच्ची के अंधे बहरे गूंगे थोड़ी थे उनकी तो नजरें सिक्स बाय सिक्स नजरें लेके बैठे हुए थे कान समाध बहुत तेज थी उनकी सुनते बहुत थे बोलते बहुत थे उनको कुरान क्या कह रहे हैं अंधे हैं बहरे हैं और गूंगे ना हक बोल सकते हैं ना हक सुनते हैं और ना हक देखते हैं ये उन्हीं के बारे में कहा है जो मौत को मानते हैं लेकिन अमल से, से लग रहा है कि ये तैयार नहीं है इसके लिए ऐसे ऐसे वाकयात सामने आते इंसान कानों में उंगलियां डाल लेते हैं कि भाई ये मत सुनाओ हमें यतीम का माल खाना कुरान कह रहे है, आग के अंगारे हैं बाप मर गया ना यतीम बच्चा है तो कुरान क्या कह रहे है? क्या खा रहे हो आग के अंगारे लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे बोलो ना बहनों की विरासत यतीमों की विरासत नहीं दे रहे देखो कुरान ने ना माली मामला में बहुत वईदे बयान किए मैंने देखा है लोग नमाज रोजे में किसी हद तक आ जाते हैं पैसों में क्योंकि आखिरत को भूल गए नमाज से दुनिया नहीं जाती ना भाई नमाज पढ़ने से दुनिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा थोड़ा टाइम निकाल के मुजाहिदा करना पड़ता है पैसों के मामला में आपकी दुकान बंद होती है नमाज में तो दस मिनट के लिए दुकान बंद करनी पड़ेगी ना कोई बड़ा नुकसान तो नहीं है लेकिन जब आप पैसों के मामले में क्लियर होके चलोगे तो लाखों करोड़ों रुपए से हाथ धोने पड़ते हैं आपको यहां के लोग दुनिया को मुसाफिर खाना समझना छोड़ देते हैं पैसों में जो आदमी एक नंबर होगा इससे पता चलेगा कि ये दुनिया को वाकई क्या समझता है बोलो अरे बोलो ना यार जोर से। ये मुसाफिर खाना समझते हैं। इबादत से नहीं पता चलता हमने बड़े बड़े दुनिया की मोहब्बत के मरीज बड़े बड़े करप्ट लोग देखे रमजान के पूरे रोजे रखते हुए हमने बड़े बड़े दो नंबर पांचों नमाजें पढ़ते हुए देखे हज करते हुए देखे हैं इंसान की दीनदारी का और इस बात का कि ये आखिरत पर यकीन रखता है सबसे पहले पता चलता है कि माली मामलात में कैसा है पैसा देना किसी को बहुत मुश्किल काम है अपना नुकसान करके मेरे पास सुबह शाम केस आते हैं वो एक करोड़ खा गया उसके दो करोड़ खा गया जो खाया होता है मैं उससे बोलता हूं दो इसको कह रहे कहां से दूं घर बेच के दो भाई मैं क्या रोड पे आ जाऊं मैंने क्या जिनके पास जाती घर नहीं है क्या रोड पे सो रहे हैं वो सारे बोलो ना क्या हो गया भाई किराए पे रहो ना नहीं जी मैं कैसे घर बेचूं मैंने फला का दो करोड़ देना है तीन करोड़ देना है मैं घर क्यों बेचूं पूरे हरामखोरी के मजे उड़ाएगा है भाई घर भी अपना रहे गाड़ी भी ना बिके सब कुछ हो और फिर इजाफी कोई तुक्का लग गया तो फला का कर्जा अदा कर दूंगा मैं। मेरे बिजनेस में लॉस हुआ है समझते नहीं हो मेरा ख्याल है ये हो रहा है मार्केट में बिजनेस में लॉस हुआ है, मैं कहां से तू देगा आजकल मेरे जबान में बाप का लफ्ज चढ़ा दिया बंदे ने तेरा बाप भी देगा <laughs> मकान बेच दे कर्जा फला का मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे तो भाई छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं बड़े बड़े बच्चे भी होते हैं ये तो हमेशा से हो रहे बच्चे कभी छोटे होंगे कभी बड़े होंगे कभी मंजिले होंगे कभी नहीं भी होंगे कभी होंगे ये तो दुनिया का हिस्सा है तो क्या आसमान से नया नाजिल हुआ है क्या तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बच्चे तो पहले छोटे छोटे ही होते हैं बड़े बड़े तो अचानक पैदा नहीं हो जाते फजूल किस्म की बातें मकान बेचो फला का कर्जा दो नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है बहन विरासत मांग रही है बेच इस मकान को जिसपे तू कब्जा करके बैठा हुआ है हजार गज के बंगले पर बेच के उसका हिस्सा दे अब दे तू तड़ाक पे आ गया हूं मैं ये तमीज से समझाने वाली बातें है ही नहीं दाढ़ी इतनी लंबी रखी हुई है उम्रें हो रहे हैं तुम्हारा हज हो रहा है तूने बहन की विरासत कह रहे हैं जब मकान बिकेगा मकान तो 25 साल के बाद जाके बिकेगा उस वक्त तो बहन बुढ़ी होकर मर चुकी होगी उसको क्या फायदा होगा इस मकान से नहीं जी अब्बा का मकान है बेच दिया तो हम कहां जाएंगे क्या जिन लोगों ने क्या किराए पर मैं अभी तक अल्लाह का शुक्र है किराए पर रहता हूं अभी तक मेरा जाति घर हम जब चौदह बच्चों के साथ किराए पे रह सकते हैं तो तू दो बच्चों के साथ वो भी इतने से इते से इसमें तो दराज में आ जाए इसके लिए तो घर की भी जरूरत नहीं है एक अलमारी खरीदो उसमें रखो इसको घर तो है ही नहीं आजकल घर तो वो होता है जिसमें अफराद हो नहीं यारी मेरा ख्याल है बात ऐसे ही ठीक है जैसे चल रहे हैं भाई घर थोड़ी है ये <laughs> ये जो एक आध ये को घर है इसके लिए इतना टेंशन यार दो बच्चों के लिए क्या टेंशन है दो बच्चों के लिए क्या है एक बीवी है दो बच्चे है। इसके लिए तो अब किराए की भी जरूरत नहीं है भाई तो पैसा दो क्या करो ये है ना मेरा मकान बिक जाएगा कोई मसला नहीं है। आपका मकान बिक जाएगा ये मकान असल नहीं है आपका मकान असल में वो कबर है जहां भी राहत इंदोरी ने शेर कहा था ना दो गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है ए मौत तूने क्या शेर है यार ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया दो गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है मौत तू ने मुझको जमींदार ज़मींदार जब बनता है जब कबर में जाता है यहां से कोई नहीं निकालेगा लेकिन कराची के कब्रुस्तानों में वो भी नहीं मिलती आप वहां से निकालते हैं एक साल के बाद गोरगन कहता है थोड़ा साइड पकड़ दूसरा मुर्दा डाल रहे हैं आप आदमी कहता है यार यहां तो आराम से सोने दो कराची में कब्रुस्तान भर चुके हैं एक एक कबर में दस दस मुर्दे दफनाए जा रहे हैं तो वो एक दो गस का प्लॉट भी दस दस मुर्दे उसमें शरीक होते हैं अभी एक साहब आए कि वो हमारी वालदा का इंतकाल हुआ था उसी खबर में वालिद को हम दफना रहे हैं जगह नहीं मिल रही मैंने कहा अपनी जिम्मेदारी पर दफनाओ भाई अब मुझे नहीं पता आपके अब्बा अम्मा के ताल्लुकात कैसे थे हाँ ऐसा ना हो कि हाँ सॉरी अब्बा का इंतकाल हुआ तो उसी में अम्मा को दफना रहे हैं मैंने कहा ऐसा ना हो क्या दिन अब्बा बोले यार यहां तो मुझे थोड़ा सा एंजॉय करने देते लेकिन अगर अच्छे हैं फिर तो ठीक है तो मैंने कहा दफना सकते हैं इतना अरसा अगर गुजर गया लेकिन बाकी आपके अब्बा अम्मा के तल्लुका कैसे थे <laughs> या अब्बा जाने <laughs> बोलो आप जाने एहतियात इसी में के फासला रखा जाए तो खैर पैसों के मामले में इंसान का पता चलता है कि ये दिल से दुनिया में दुनिया की मोहब्बत इसके दिल में है या नहीं पैसों में दिल बड़ा करो देना सीखो ले लो यार ले लो मुसाफिर खाना है मरेंगे और अल्लाह का निज़ाम ऐसा है जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझ के पैसा लुटाता है दौलत आती भी उसी के पास है रिस्क जो है ना ऐसे आता है सींग मार के घुसता है जैसे बहल ना आवारा बैल जैसे टकरे मार मार के घुसता है ना लोगों के घरों में ऐसे रिस्क घुसता है लेकिन अल्लाह पहले आजमाते हैं कि तू मुझ पर अतमाद करता भी है कि नहीं करता देना सीखो किसी का हक अपनी जेब में मत रखो और देखो माली मुआमलात में अल्लाह ने एक और हुक्म दिया है बहुत अहम अच्छा लोग ये भी देख रहे होते हैं फलां को जरूर मैं अपने दो करोड़ का मकान बेचूंगा तो फलां को ज़रूरत क्या है वो तो इतना खाता पीता आदमी है वो भाई जान जब किसी का पैसा आपके ज़िम्मे होता है तो आपने देना है उसको वो चाहे जरदारी क्यों ना हो ठीक है ना उसको ज़रूरत है ये नहीं ये नहीं है शरीय में आपने देना है विरासत देनी है एक भाई करोड़पति अभी एक वीडियो वायरल हुई थी पता नहीं सही है गलत है कि वो बहन विरासत मांग रही थी उसको भाइयों ने कूटा मुझे नहीं पता वो सही है फेक भी होती हैं चीज़ें या बाज़ दफ़ा केस कुछ और होता है बना कुछ और दिया जाता है लेकिन बाज दफ़ा ऐसा हकीक़त में होता भी है बहुत से इलाकों में बहन विरासत नहीं मांग सकती उसे पता है मेरे नमाजी परहेजगार भाइयों को गुस्सा बोलो आ जाएगा दिल बड़ा रखो दो बगैर मांगे दो यार रोड पे आ जाओ खुदा की कसम किसी को हक दे के इंसान गरीब हो जाए इसमें सुकून ज्यादा है आदमी का यार एक पैसा किसी का मेरे जिम्मे नहीं है अल्लाह खिलाएगा इसका अपना मज़ा है और फिर अल्लाह ऐसा खिलाता है छप्पड़ फाड़ के मैं अक्सर एक, एक वाक़ सुनाता हूँ ना पहले ज़माने में तो दीनी मदारस के पास वसाइल बहुत कम होते थे तो हम किताबों में एक वाक्य पढ़ते थे एक बहुत बड़े बुजुर्ग नाम जहन में नहीं है उनका उन्होंने कैसे गुर्बत में पढ़ा तालब थे पढ़ते थे तो घर में जब खाने के लिए आते तो माँ कहती आज हम अल्लाह के मेहमान हैं खाना नहीं है मतलब ये 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 इशारा था कि आज नहीं है बस मतलब। अल्लाह के मेहमान का मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा आज ही खिलाएगा रूहानी तौर पर खिलाए बच्चे भी बड़े नेक होते थे चले आते एक दिन इसी तरह गए अम्मा कुछ खाने को है उन्होंने कहा हाँ है रोने लगे उसने कहा अम्मा जब तो ये कहती थी ना आज हम अल्लाह के मेहमान हैं इसमें ज़्यादा मज़ा था इस भूख को किसके लिए बर्दाश्त किया जा रहा है अल्लाह के लिए इसका अपना मजा है इमाम अहमद इबल जो इमाम बुखारी के उताज हैं वो कहते हैं एक आदमी शादी शुदा बच्चों वाला जब वो गुरबत से परेशान होता है अपने बीवी बच्चों की तरफ देखता है और उसके पास वसाइल नहीं है और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है अल्लाह को इस शख्स से मोहब्बत उस इबादत गुजार से कई गुना ज्यादा होती है जो हर वक्त मस्जिद में बैठ के अल्लाह अल्लाह करता है समझते नहीं हो एक आदमी जो 24 घंटे अल्लाह की इबादत कर रहा है और एक वो जो अल्लाह की मखलूक में लगा हुआ है और वसाइल ना होने की वजह से अल्लाह से दुआएं मांगता है कि अल्लाह इन इनकी खातिर मुझे रोजी दे जिसकी आल औलाद हो वो तो परेशानी में फिरता है ना कंवारे कम, कंवारों को क्या है उनको तो गुटके के पैसे चाहिए बस जो बाल बच्चे वाले लोग हैं उनको टेंशन होती है ना इनको खिलाना है पिलाना है तो इमाम अहमद कहते हैं शादी शुदा बाल बच्चों वाले आदमी को जो रिस्क टेंशन अल्लाह की तरफ से मिलती है इस टेंशन से जो उसके दर्जा बुलंद होते हैं वो इबादत गुजार के दर्जा इबादत से ऐसे बुलंद नहीं होते एक गुजार और दिन में रोजे रखने वाले को वो मकाम नहीं मिलता तो अल्लाह पेतमाद अल्लाह पे तवक् अल्लाह अल्ला के लिए टेंशन उठाना यह बहुत बड़ी इबादत है यह इबादत क्यों है कि इस टेंशन में भी इसके कदम हराम की तरफ नहीं जा, ना ये नसल रोक रहा है नसल रोकना भी जायज नहीं है गुरबत के खौफ से कि खिलाऊंगा कहां से इसमें अल्लाह पे तवकुल वाजिब है कि जिस अल्लाह ने मुझे खिलाया इनको भी खिलाएगा किसी को कम देगा किसी को ज्यादा देगा कोई बात नहीं अल्लाह का निज़ाम है यह बस तो रिस्क अलीमश वकदर जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा जिसको चाहता है तंग कर देता है जिसके कुशादा कर दिया शुक्र अदा करे तंग कर दिया सब्र करे भाई अल्लाह के हाथ में है इस बेस पर नस्ल रोकने की इजाजत नहीं है आपको कि पैसे नहीं है तो बच्चे कहां बच्चे कैसे पालूंगा मैं लिबरल लोगों के उसूल कुछ और हैं जिंदगी गुजारने के इस्लाम के उसूल कुछ और हैं और एक दफा इस्लाम के उसूलों पे आ जाओ नकद फायदा मिलेगा दिल का सुकून इत्मीनान, गुरबत में भी सुकून शुक्र की तोफीक मिलेगी हमने अपने बुजुर्गों को देखा है इंतहाई गुर्बत में उनके चेहरों पर ऐसे खुशी जैसे अरब हो ये वो कहते हैं अल्लाह ने तो हमें हमारी जरूरतों से करोड़ा गुना ज्यादा दे दिया कहते हमें तो ज़रूरत है दो वक्त की रोटी की लेकिन अल्लाह तीन टाइम खिलाता है हमें तो जरूरत है बस एक छपड़ा मिल जाए सर छुपाने को लेकिन अल्लाह ने पूरा घर वो यही सोच सोच के खुश होते रहते हैं और हमारे यहाँ क्या टेंशन चल रही है यार बीस पचास साल का हो गया अब तक अपना घर नहीं बना सका मैं अब क्या करेगा बना के <laughs> भाई थोड़ा सा टाइम रह गया निकल ले पतली गली आने वाली है पतली गली आने वाली है जिससे फरिश्ते चूहे निकालेंगे निकल पचास साल के बाद क्या बनाना है यार हाँ बच्चों के लिए आदमी कोई प्रॉपर्टी ले, ले लेता है मर गया अगर अल्लाह ने बहुत वसाइल दिए हैं तो चलो हदीस में आता है कि उनको ऐसे लावारिस मत छोड़कर अगर अल्लाह ने वसायल दिए नहीं दिए तो बोलो यार हम भी तो किसी के बच्चे थे जब हम पल गए तो ये भी पल जाएंगे टेंशन तो लेनी नहीं है ना भाई टेंशन लेना इसकी इसकीत है दिल में दुनिया की मोहब्बत है इस दुनिया से चिपके हुए हो एल्फी की तरह छोड़ने के लिए जो छोड़ेगी ये बता दूँ और दुनिया छोड़ती भी है और आपकी मर्जी से बता के नहीं छोड़ती भाई ये बड़ा मसला है दुनिया के साथ चलो कोई महबूबा आपको छोड़ के जाए बता के जाए भाई मेरी फलां से सेटिंग हो गई है मैं जा रही हूँ तो आदमी को तसली होती है यार अब क्या करो यार अब हो गई सेटिंग क्या कर एक होता है टाइम दिया था कायदे अजम के मज़ार पर आने का हैं आप उम्मीद में पहुँचे कि यहाँ मुलाकात होगी लेकिन इतना आई कि, कि किसी और को कहीं और टाइम दे चुकी ये धचका बर्दाश्त कर देगा इंसान दुनिया का भी यही असूल है ला किन्ना खुल्लत कम इन दमिहा फज उन आपको दुनिया टाइम देगी क्या मतलब आपको बताएगी कि तुम्हारी सेहत इस काबिल है कि मैं अभी तुम्हें छोड़ के जाने वाली नहीं हूं ना तुम्हें शुगर है ना तुम्हारे गुर्दों का मसला न तुम्हारा कोई मसला पैसा दौलत सब अभी मैं नहीं जा रही लेकिन उधर पूरा पतली उसने तैयार तो करके रखी इसको ट्रक के नीचे ला के मारो इसका बीमारी को नहीं है ना, ना, ना गुर्दों का मसला है इसका ट्रक बनता है <laughs> क्या बनता है इसकी हड्डियां भी मजबूत है कार एक्सीडेंट में भी नहीं जाएगा ये तो ये वही है कि सेटिंग आपसे दिखाया जा रहा है लेकिन हो फरिश्तों से सेटिंग रही है मलकुल मौ से कि इसको लेके जाओ यहां से जितने लोग मरे हैं ना इनमें निन्यानवे फीसद वो थे जिनका पहले से मरने का कोई प्रोग्राम नहीं तो अभी एक दोस्त हमारे आए उनका छत्तीस साल का जवान भाई अल्लाह ताला मफरत फरमाए दो दिन टाइफाइड हुए और इंतकाल हो गया ना इससे पहले कोई बीमारी इतनी मौतें हो रही हैं और कोरोना भी कह रहे हैं नई शक्लों में आ रहा है जो इंडिया में तबाही मिचाई थी वही तो उस पर थोड़ा सा एहतियात भी करनी चाहिए तो वही बात है भाई कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में तो अल्लाह और जो फरिश्ते हैं ना वो मौत का फरिश्ता वो भी हमसे कहता है बेटा तू जितने भी जिम कर लेना जा जाके वीडियो स्विमिंग जिम घोड़ा सवारी शादियाँ वादियाँ कब तक छुपेगा पेड़ों की आड़ में कभी तो मिलेगा लुंडा बाजार में तारिक रोड जैसी पैंटें मिल रही होती हैं आधे से भी कम रेट पर तो बहुत से लोग वहाँ पहुँचते हैं उस पेंट को पहन के कहते हैं कि हमने कहाँ से ख़रीदी है तारिक रोड से खरीद लुंडा बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ हर आदमी जाता है पकड़ा जा सकता है तो ऐसे ही मेरे भाई जितना मौत से भागोगे जितनी सेहतें बनाओगे जितना कोशिश करोगे ज़िंदा रहने की मरेगा और कैसे मरेगा कोई पता नहीं है बैठे बैठे हमारे एक जानने वाले खाना खाया उधर ही गिर गए कोई हार्ट का पहले प्रॉब्लम नहीं इतनी मौतें तो हमने अपनी जिंदगी में देख ली हैं लेकिन अफसोस इस पर है कि हमें फिर भी इबरत हासिल नहीं होती तो ये वही है जब तक होता नहीं है ना इंसान गुजरता नहीं उस वक्त तक यकीन नहीं आता अक्लमंद वो है जो अल्लाह की ख़बरों पर यकीन करके पहले से तैयारी कर ले हर वक्त तैयारी करे इसलिए हमारे कहते हैं हर वक्त ये तसवुर रखो अभी मर गया तो क्या होगा क्या सारी मैंने वसीयतें की हुई हैं सारे मैंने मामली मामला क्लियर किए हुए नहीं किए हुए इसका मतलब ये इस खुश फहमी होता है मैं अभी नहीं मरूँगा तो जब मरेगा ना तो उस वक्त भी इसी यही खुशफहमी होगी कि अभी मैं मरूंगा नहीं अचानक मरते हैं लोग और जो तैयार नहीं है वो कैंसर में भी उन, उनको यकीन नहीं होता कि मैं मरूंगा अल्लाह ताला हमें मरने से पहले मौत की तैयारी की तोहफ़ी अता फरमाए